और दिनों की तरह आज भी मार्केट सुबह में मॉर्निंग में ओपन तो हुआ, पर ओपन होते ही एक ग्रुप ने तहलका मचा दिया जिसके शेयर मार्केट में उथल पुथल मचा दिया, वो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगभग अधिकांश शेयरों में अपर सर्किट लगा है, और अपर सर्किट क्यों लगा है इसका डिटेल हम आगे आके जानते हैं, इसका वजह जानते हैं। मार्केट में आज पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहा जिसके एक वजह अडानी ग्रुप के शेयर में पॉजिटिविटी भी हो सकता है, जिस वजह से मार्केट आज आधा परसेंट ऊपर अपर पे क्लोज हुआ। और अडानी पावर का देखेंगे तो अडानी पावर में 12.5% से ऊपर का जंप देखने को मिला है, और 12.5% से ऊपर का जंप होने के बावजूद इसका पीई 10% से 10 से नीचे है, तो इसका लेवल अच्छा ही कह सकते हैं इसमें। दूसरी हमारी अडानी इंटरप्राइजेज है जिसमें 9% का अपर सर्किट 9% का जंप देखने को मिला है, और 9% जंप होने के बाद इसका पीई 113 पहुँच गया है। अडानी ग्रुप के शेयरों में पीई 100% से ऊपर होना साधारण बात है, कॉमन बात है। आगे हम देखेंगे कि इसमें और भी कई कंपनी है जिसके पीई 100 से ऊपर है। दूसरी पहली है नेक्स्ट है हमारी अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें भी 5.5% से ऊपर का जंप देखने को मिला, और 5.5% के जंप के बाद इसका पीई अभी भी 30 से नीचे ही है। दूसरी है हमारी अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसमें 13.5% से अधिक का जंप देखने को मिला, और 13.5% से जंप होने के बाद इसका पी 135 पे चला गया। नेक्स्ट है हमारी एसीसी लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड में 2.5% से ऊपर का जंप देखने को मिला, और 2.5% से ऊपर के बाद 29 का पी पहुंच गया। उसके बाद है टाटा टोटल अडानी टोटल गैस, जिसमें 19-20% का अपर सर्किट लगा है, अपर सर्किट लगने के बाद इसका पी 123 से अधिक हो गया। उसके बाद है हमारी अडानी विलमार, अडानी विलमार में 10% का अपर सर्किट लगा है, किसी ने बेचने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की, पर पकड़ के इसको फिर से अपर सर्किट लगा दिया गया है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया उसको ऊपर अपर सर्किट पे भेज दिया, और इसके बाद अपर सर्किट लगने के बाद इसका पी 352 से 350 से अधिक देखने को मिल रहा है। दूसरी हमारी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसमें 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है, और 20% का अपर सर्किट लगने के बाद इसका पी 72.58 हो गया। उसके बाद है हमारी अंबुजा सीमेंट, जिसे अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया हुआ है, सीमेंट में 4% का जंप देखने को मिला है, 4% का जंप होने के बाद भी इसका पीई 33.4 ही है, जो कि अच्छा पीई है। दूसरी है हमारी न्यू दिल्ली टेलीविजन, एनडीटीवी न्यू दिल्ली, इसमें 12% का जंप देखने को मिला, 12% का जंप होने के बाद इसका पी 131 पे पहुंच गया है। और इसका वजह जानना चाहेंगे कि क्यों ये अपर सर्किट लगा है, इसका मेन वजह ये हो सकता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज का कटिंग है, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मीडिया कवरेज ने किया है इसको कि और अडानी ग्रुप स्टॉक ट्रेड विथ गेन सर्जू 20% टूडे रिजल्ट, और इसका वजह आप जानेंगे। तो इसका वजह है कि द शार्प जंप इन अडानी स्टॉक कैम आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिजर्व इट्स ऑर्डर इन द अडानी हिंडनबर्ग। जो अडानी हिंडनबर्ग का जो ये खबरें आई थी और ये मामला कोर्ट में चला गया था, और कल जो है इसकी सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद जो इसका ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर रखा था आज के लिए। और चूंकि इसकी अडानी हिंडनबर्ग की जो केस है वो अडानी के फेवर में आने के मिल रहा है, ऐसा खबर आ रही है, ऐसा आने की चांसेस हैं, और आया भी है आज, तो इसलिए इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।